ये कंगना रनौत है, ये नाचने गाने वाली जो है महिला कह रही है कि आजादी जो है 2014 में मिली, देश आजाद हुआ 1947 में, शहीद अशफाकुल्ला का, भगत सिंह, रामकिशन बिस्मिल जैसे लोगों ने अपने जान की आहुति दी, जलियान वाला बाग के अंदर हजारों हजार जो है लोग शहीद हो गए, और वो कहती है नाचने वाली कि ये जो है हमको आजादी 14 में मिली। तो मैं पूछना चाहता हूँ कंगना रनौत से या उनके गद्दार जुआका है जिनके इशारे पे ये काम हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आजादी 1947 लिखी जाएगी, नौजवानों को क्या बताया जाएगा कि देश आजाद जो है 2014 में हुआ या 1947 में हुआ, आज के नौजवानों को ये बताना पड़ेगा। लेकिन ये कंगना रनौत तो एक मोहरा है, गांधी जी के हत्यारों की जमात है, उनके इशारे पे ये काम हो रहा है। मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, राष्ट्रपति महोदय से मैं मांग करता हूँ कि इसके जो है जो पुरस्कार मिला है उसको फौरन वापस लिया जाए, इसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए, इसको जेल भेजने का काम किया जाए, ये हमारी मांग है। कोई लिखित तहरीर वगैरह भी आप लोगों ने दिया है? नहीं, तहरीर हमने नहीं दिया, इसमें तहरीर देने का क्या मतलब है? एक आम नागरिक है, आम नागरिक हम है, और हमको गुस्सा है कि देश के शहीदों का उसने अपमान किया है। कि हमारे शहीदों का अपमान किया गया, एक मिनट तो आप बोलना, हमारे शहीदों का अपमान हुआ है, हम उस गुस्से में जो है ये कर रहे हैं। तहरीर किसको दें? अंधी बहरी सरकार है, हम कहाँ दें? अब देख लीजिए दरोगा जी हैं यहाँ जो है तुरंत ये आ गए, नाचने गाने वाली देश की गद्दार के हिमायत में आ गए, उसका रिएक्शन कोई नहीं हुआ जो बात इतना बोल। ये हमारी मांग है और हम चाहते हैं कि इनका सम्मान वापस हो।